हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डियर स्केल के बारे में। काइंड ऑफ स्केल पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि स्केल्स के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन जो है एंड हुआ था वर्नियर स्केल पर। तो वर्नियर स्केल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वर्नियर स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल के स्पेसिफिकेशन पर भी डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपसे बोला था कि वर्नियर स्केल पर अगला डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी इस चैनल पर आ चुके होंगे और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने साथियों को इस चैनल पर लेके आइए, जिससे आपका ये चैनल जेनिक मैकेनिकल सिविल एक जो है सुपर चैनल के फॉर्म में क्रिएट हो, यहां पर डेवलप हो, जो कि आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारे चैनल को लाइक कर दिया होगा और शेयर करना मत भूलिएगा, जो है इसको बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जो है इसको ध्यान में रखिएगा। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्रॉपर नोट्स के साथ प्रिपेयर होंगे, मेंटली फिजिकल होंगे। अब बेटा रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करिए। जो भी चीजें पढ़ाई जाती है उनको रिवीजन जरूर करिए। प्रैक्टिस आपको तब करना है जब उस कंसेप्ट को क्लियर करा दिया जाए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बता दिया जाए, वो यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसको आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर रहे। तो आइए, बेस्ट मैथडोलॉजी का प्लेटफॉर्म जहां से हम शुरू करते हैं आपका ये टॉपिक, That was the kinds of scale. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Kinds of scale में हम बात कर रहे थे, kinds of scale, जिसमें हमारा डिस्कशन चल रहा था वर्नियर स्केल के बारे में। किसके बारे में चल रहा था? वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि वर्नियर स्केल क्या होता है। VERNIER, वर्नियर स्केल, SCALE, वर्नियर स्केल पर हमें डिस्कस करना था। वर्नियर स्केल्स प्लेन, डायरेक्ट वर्नियर और रिट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर, सिंगल वर्नियर, ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी जो है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको नहीं बताई गई हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। दो टाइप के वर्नियर होते हैं, आपको पता चल चुका था। एक जो था डायरेक्ट वर्नियर, जिसे बोलते थे डायरेक्ट वर्नियर, DIRECT, डायरेक्ट वर्नियर, VERNIER। एक ही प्रकार के वर्नियर कई प्रकार के, जैसे डायरेक्ट वर्नियर आपका सिंगल डायरेक्ट वर्नियर भी हो सकता है, डबल डायरेक्ट वर्नियर भी हो सकता है, सिंगल रिट्रोग्रेड वर्नियर हो सकता है, डबल रिट्रोग्रेड वर्नियर हो सकता है। क्योंकि सिंगल डबल का फंडा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है। डायरेक्ट वर्नियर और रिट्रोग्रेड वर्नियर, RETROGRADE, रिट्रोग्रेड वर्नियर, VERNIER, रिट्रोग्रेड वर्नियर। ओके डियर, मेरे ख्याल से आपको चीजें इसमें क्लियर होंगी, जो भी चीजें मैंने इसमें बताई थी। और ये भी बताया था बेटा कि मेन स्केल से सटी हुई एक सहायक स्केल होती है, एक एक्जिलरी स्केल होती है, जिसको वर्नियर स्केल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है। और आपको बता दें, जो डायरेक्ट वर्नियर होता है, जो डायरेक्ट वर्नियर होता है, इसमें n नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल SCALE, ये डियर जो है मेन स्केल के n-1 डिवीजन के इक्वेलेंट होते हैं। n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वेलेंट होते हैं डियर। ये आपको बताना था यहां पर कि इसमें होता क्या है कि जो वर्नियर के नंबर ऑफ डिवीजन n होते हैं, इसमें वर्नियर में n नंबर ऑफ डिवीजन जो अगर होते हैं, तो वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर होते हैं। मतलब क्या है कि एक वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या करता है, ये वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल
स्मॉलर होता है वन डिवीजन ऑफ वर्नियर। ऑफ वर्नियर क्या होता है डियर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन डिवीजन ऑफ वर्नियर इज स्मॉलर देन, छोटा होता है वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, क्योंकि तभी तो ये इस, क्योंकि इसका ये एन है, सपोज दैट यहां पे अगर मान लीजिए 60 डिवीजन ले लेंगे तो वर्नियर स्केल पे, तो ये मेन स्केल पे आके कितना हो जाएगा, 60 माइनस वन 59, तो मतलब ये हुआ कि ये 60 है और ये केवल 59 है तभी इसके बराबर है, यदि ये 60 डिवीजन हो रहे हैं तो इसके 59 डिवीजन के ही बराबर हो रहा है, यानी कि इसका एक डिवीजन इससे और कॉमन सी बात है बड़ा होगा, तो इसीलिए कह रहा है वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो होता है वो जो है वर्नियर के मेन स्केल से बड़ा होता है इन डायरेक्ट वर्नियर। फॉर डायरेक्ट वर्नियर के केस में, इनडायरेक्ट वर्नियर के केस में अपोजिट होता है, इनडायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है, यानी जिसे रिट्रोग्रेड वर्नियर के नाम से जाना जाता है, इसमें जो एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर होते हैं डियर, एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होते हैं वो एन प्लस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होते हैं, एन प्लस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ऑफ मेन स्केल एम ए आई एन मेन स्केल के बराबर होते हैं, जो किसके लिए है, जो आपका है रिट्रोग्रेड वर्नियर के लिए है, ये कंडीशन आपका रिट्रोग्रेड वर्नियर के लिए है, जबकि ये कंडीशन आपका डायरेक्ट वर्नियर के लिए है। अब सपोज दैट अगर मान लीजिए कि एन डिवीजन इसमें 60 है, सपोज दैट अगर वर्नियर के 60 डिवीजन है, 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू क्या, 60 प्लस वन डिवीजन, यानी 61 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 61 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होगा, एम ए आई एन मेन स्केल, किसके केस में डियर, ये आपका है रिट्रोग्रेड वर्नियर के केस में, किसके केस में, रिट्रोग्रेड वर्नियर के केस में है, जबकि इसमें क्या है डायरेक्ट वर्नियर में 60 डिवीजन है, इसके केवल 59 डिवीजन के बराबर होंगे, तो ये खासियत होती है डियर डायरेक्ट वर्नियर और रिट्रोग्रेड वर्नियर की। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर होंगी यहां पर आज जो है कि रिट्रोग्रेड वर्नियर और डायरेक्ट वर्नियर में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है। अब इसी क्रम में डियर एक आता है जिसे बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, बहुत कॉमन चीज है, आप इंटर में फिजिक्स वगैरह में भी जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है उसमें भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी कि वर्नियर स्केल क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज जो है, लेकिन ये आपका टॉपिक यहां पर है सर्वेइंग के लिए, हम इसको सर्वेइंग पर्पज में यूज कर रहे हैं। ओके, कंसेप्ट जो है वही रहते हैं, बस थोड़ा सा उनका फॉर्म चेंज मिलता है हमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, क्या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होता है ना, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर पे हम डिस्कस करेंगे डियर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, खास करके जेई के एग्जाम्स में बहुत वैल्यू रखता है, ये बहुत वैल्यूएबल है, पूछा जाता है, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट एल ई ए एस टी, लीस्ट काउंट सी ओ यू सी ओ यू एन टी ऑफ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल है ना, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, इसको लीस्ट को एल से काउंट को सी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू लीस्ट काउंट की वैल्यू जो होती है डियर ये एक्चुअली में होती है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसके साथ ही मेन स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन
नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। अभी वो आगे जाके नंबर ऑफ डिवीजन में कन्वर्ट होगा, देखिए कैसे। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसका जनरली जो फॉर्म होता है डियर वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एस बाई एन, जहां पे एस क्या है डियर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये देखिए अभी आएगा कैसे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल टू द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये आता कैसे। अब इसका मैं आपको डेरिवेशन बताने जा रहा हूं कि ये चीज आती कैसे है, ठीक है। ये सबको पता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल का जो रेशियो होता है वही इसका लीस्ट काउंट होता है। एक्चुअली में इस मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन और वर्नियर स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन के डिफरेंस को स्मॉलेस्ट को जो है लीस्ट काउंट बोलते हैं, किसका, वर्नियर का। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल SCALE स्केल, इन मुख्य स्केल के एक भाग के और वर्नियर स्केल के एक भाग के अंतर को जो है लीस्ट काउंट बोला जाता है। इसी से ये जनरेट हुआ है एस बाई एन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल टू डिवाइड बाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। देखिए कैसे, अगर हम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल को एस मान लें और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को वी मान लें, ठीक है। यहां पे मैं अजम्पशन लिख देता हूं, लेट एस इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल एम ए आई एन मेन स्केल एंड एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल की बात हो रही है डियर यहां पर, एन वर्नियर स्केल के लिए है ना कि मेन स्केल के लिए, वर्नियर स्केल, ओके। एंड वी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, स्मॉल वी हमने वर्नियर स्केल के लिए माना है, वर्नियर स्केल, ओके। और डियर नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल में भी तो होगा, अगर वर्नियर में एन है तो मेन स्केल में कितना होगा, एन माइनस वन होगा, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल पर एम ए आई एन मेन स्केल, ओके। ये इतने एजम्पशन है डियर जो हमें मानने होंगे, ठीक है, ये एजम्पशन है इतने जो हमें, आपने देखा एस क्या है मेन स्केल के एक भाग का मान, एन क्या है कुल भागों की संख्या वर्नियर स्केल पर, वी क्या है वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, सबसे छोटे भाग का मान, सबसे छोटे भाग में मुख्य स्केल के सबसे छोटे भाग का मान एस है, मेन स्केल के सबसे छोटे भाग का मान वर्नियर स्केल के सबसे छोटे भाग का मान वी है, वर्नियर के कुल जो है भागों की संख्या स्मॉल एन है, तो मेन स्केल के कुल भागों की संख्या क्या हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी, ओके। तो यहां पर देखिए ध्यान से डियर कि मेन स्केल के एन भाग मुख्य स्केल के एन माइनस वन भाग के बराबर होते हैं, और ये सब क्या एक भाग के मान है, एस और वी, एस मेन स्केल के एक भाग का मान है और वी वर्नियर स्केल के एक भाग का मान है, तो सेम डिस्टेंस के लिए क्या होगा। देखिए आपको पता है कि मेन स्केल के एन माइनस वन भाग वर्नियर स्केल के एन भाग के बराबर होते हैं, आपको पता है, तो और मेन स्केल का सबसे वर्नियर स्केल का सबसे छोटे भाग का मान क्या है, वी है ना,
वर्नियर स्केल के सबसे छोटे भाग का मान वी है, जबकि मेन स्केल के सबसे छोटे भाग का मान एस है, तो ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए ना सेम डिस्टेंस के लिए, क्योंकि इसके एन भाग वर्नियर के मेन स्केल के एन माइनस वन भाग के भाग बराबर होते हैं। और तो बराबर अगर सेम टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन वी है, तो जितने डिवीजन है उस एक डिवीजन को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के एक डिवीजन और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए फॉर द सेम डिस्टेंस के लिए। इतना क्लियर है? यहां से देखिए वी की वैल्यू क्या मिलेगी, वी की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ओके, यहां से देखिए वी की वैल्यू मिल रही है हमें एस, देखिए यहां से वी की वैल्यू हमें मिल रही है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से देखिए वी की वैल्यू हमें मिल रही है एस इंटू एन माइनस वन अपॉन वी अपॉन एन, सॉरी अपॉन एन, दैट इज इक्वेशन टू। ये आपका इक्वेशन टू है, इक्वेशन टू से वी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ वी, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल वी, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल वी इन टू द इक्वेशन सेकेंड, है ना, इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए आप, तो देखिए क्या होता है, जैसे ही आप रखेंगे आपको लीस्ट काउंट क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट जिसको हम शॉर्ट में एलसी बोलते हैं, तो यहां से लीस्ट काउंट हमें क्या मिल जाएगा डियर, लीस्ट काउंट एलसी इक्वल टू मिल जाएगा एस माइनस वी की वैल्यू, वी की वैल्यू देखिए क्या है, एस इंटू एन माइनस वन अपॉन एस इंटू एन माइनस वन अपॉन एन, यहां देखिए एन एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा एस एन माइनस एस इंटू एन माइनस वन अपॉन एन। ओके, यहां से देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये एस एन माइनस एस एन प्लस वन, ओके, प्लस वन इंटू एस, तो एस का वन से मल्टीप्लाई होने पर एस ही बचेगा, ये डिवाइडेड बाय एन, देखिए ये प्लस एस एन है ये माइनस एस एन है, यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा एस अपॉन एन, जो कि क्या था लीस्ट काउंट फॉर ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए यहां पर जो ये लीस्ट काउंट एस अपॉन एन मिला है आपको, ये देखिए किसके इक्विवेलेंट आया है, यहां पर जो आपको लीस्ट काउंट मिल चुका है एस अपॉन एन, ये आपका इक्विवेलेंट आया है जो है इसके एस अपॉन एन के, देखिए, और एस क्या था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एस देखिए हमने क्या माना, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और एन क्या माना, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, देखिए दोनों चीजें इसमें इसको जो है प्रूव हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा डियर कि क्या होता है मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी, लीस्ट काउंट अल्पत मापांक ये बहुत जरूरी है, बहुत इफेक्टिव है, पूछा जाता है लीस्ट काउंट, ठीक है, तो फॉर्मूले दे देंगे उसमें पूछ लेंगे, जैसे फॉर्मूला लिख के दे देंगे कि एस अपॉन एन इन विच द लीस्ट काउंट इन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू एस इज अपॉन एन इन विच एस इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, बी ऑप्शन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, सी ऑप्शन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप तुरंत लगा लेंगे एस इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो तुक्का मारेंगे। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है चीजों को एनालाइज करना, कंसेप्चुअली देखना, उनको स्टडी करना केयरफुली, अगर आप जो है बहुत जरूरी है डियर, तो इसको आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको स्केल की वैल्यू जो ली जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लिए, सर्वेइंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल क्या मानी जाती है, आरएफ के आरएफ जो है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आरएफ, देखिए मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं, अगर आपको आरएफ पता है तो स्केल आप उसे डिटरमाइन कर लेंगे, स्केल पता है तो आरएफ डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आरएफ फॉर डिफरेंट सर्वेइंग पर्पस, आरएफ डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सर्वेइंग, सर्वेइंग डिफरेंट डिफरेंट सर्वेइंग के लिए क्या स्केल क्या आरएफ लिया जाता है, किस टाइप के सर्वे के लिए कौन सा आरएफ लेंगे हम, ओके, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सर्वे के लिए कौन कौन से आरएफ हमें लेना है, ओके।
ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, इनको आप जो है स्टडी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल, व्हाट आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्केल फॉर डिफरेंट पर्पस ऑफ सर्वेइंग। ओके, अलग अलग सर्वेक्षण के प्रकार के सर्वेक्षण के लिए क्या स्केल का क्राइटेरिया कि भाई कितना स्केल लेना, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस टाइप का सर्वे आप कर रहे हैं। ओके, तो सर्वेइंग का जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंट स्केल्स फॉर डिफरेंट सर्वेइंग पर्पस, है ना, डिफरेंट आर एफ और स्केल, डिफरेंट आर एफ ऑब्लिक स्केल्स फॉर डिफरेंट सर्वेइंग पर्पस, फॉर डिफरेंट डी आई डबल एफ ई आर ई एल टी, डिफरेंट सर्वेइंग पर्पस, डिफरेंट सर्वेइंग पर्पस के लिए, पी यू आर पी ओ एस ई, डिफरेंट सर्वेइंग पर्पस के लिए डिफरेंट स्केल आपने क्या लेना है, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं डियर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे जो है कितना लेना है हमें, किस टाइप का सर्वे है, टाइप ऑफ सर्वे एस यू आर वी ई वाई, और यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रेंज ऑफ आर एफ कितना लेना है उसके लिए आर एफ। अब अगर आर एफ पता है आपको तो आप स्केल भी आसानी से फाइंड कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट इज पहला क्या है इसमें डियर, फर्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल सर्वे। अगर जियोग्राफिकल मैप वर्क कर रहे हैं, है ना, जियोग्राफिकल सर्वे, जी ई ओ जी आर ए पी एच आई सी ए एल, जियोग्राफिकल सर्वे एस यू आर वी ई वाई, अगर जियोग्राफिकल सर्वे कर रहे हैं तो उसके लिए जो रेशियो लिया जाता है डियर, आपको बता दें 1:5 लाख, 1:100,000, 10,000 लाख, 1:100,000, 10,000 लाख, ठीक है, 1:5 लाख टू 1:50 लाख, 1:100,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 1:100,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 1 crore 50 lakhs तक का रेशियो लिया जाता है। अगर आप यूज कर रहे हैं जो है टॉपोग्राफिकल सर्वे, ओके, टॉपोग्राफिकल सर्वे के लिए चलिए भाई देखते हैं क्या होगा। टॉपोग्राफिकल सर्वे के लिए डियर आपको बता दें 1:25,000 टू 1:50,000 तक का रेंज है आर एफ जो है। थर्ड इसके बाद आता है डियर, अगर हम जो है जो थर्ड है हमारा, इसके बाद फोर्थ भी आता है आपका, थर्ड में ही है आपका एल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर एल सेक्शन हमें बनाना है, ठीक है, अगर हमें एल सेक्शन ड्रॉ करना है तो एल सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एल सेक्शन के लिए दो होते हैं इसमें, एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है डियर, एक हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल होता है और एक होता है वर्टिकल स्केल, वी ई आर टी आई सी ए एल, वर्टिकल स्केल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए क्या मानेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल के आपको बता दे डियर 1:1,000 और वर्टिकल स्केल के लिए 1:100 लिया जाता है। ओके, अगर हमें डियर जो है फोर्थ क्रॉस सेक्शन बनाना है, क्या ड्रॉ करना है, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है,
तो क्रॉस सेक्शन के लिए आपको बता दूं केवल एक ही स्केल होता है, दैट इज 1:100 होता है। ओके इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर वो है आपका रूट सर्वे, सिटी सर्वे, बिल्डिंग सर्वे। ठीक है, तो अगर आप रूट सर्वे कर रहे हैं, ROUTE रूट सर्वे, SURVEY, अगर डियर आप रूट सर्वे करने जा रहे हैं तो इसके लिए देखिए क्या स्केल आपको लेना पड़ेगा, दैट इज 1:10,000 अगर आप सिटी सर्वे करने जा रहे हैं, सिटी का सर्वे, SCIT सिटी सर्वे, सिटी सर्वे के लिए आपको रेंज बता दे, ये भी रेंज 1:10,000 ही लिया जाएगा, 1:10,000। ओके अगर आप कोई बिल्डिंग का सर्वे करने जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग सर्वे में इन्वॉल्व है, BULDING बिल्डिंग सर्वे, SURVEY बिल्डिंग सर्वे अगर करने जा रहे हैं आप, तब देखिए क्या होगा, बिल्डिंग सर्वे के लिए रेशियो जो लिया जाएगा वो 1:1,000 ओनली लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट काइंड के सर्वे के लिए डिफरेंट ज्योग्राफिकल मैप, टॉपोग्राफिकल मैप, एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, रूट सर्वे, सिटी सर्वे, बिल्डिंग सर्वे के लिए आपका रेंज क्या होगा, RF का रेंज क्या होगा, वो सारी चीजें हम जो है डिस्कस किया हमने। अब यहां पर तो चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड से अब सर्वे RF पता है आपको, तो स्केल भी आप उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक क्लियर पता लग गया होगा कि मैप सॉरी स्केल क्या होता है, स्केल के डिफरेंट काइंड क्या होते हैं, वर्नियर्स क्या होता है, वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होता है, डबल वर्नियर क्या होता है, सिंगल वर्नियर क्या होता है, ये सारी चीजें डियर आपने जान ली हैं, आपने डिस्कस कर ली हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके तो आई थिंक जो भी चीजें क्लियर हैं, आपको क्या लगता है कुछ और होना चाहिए था, अगर कुछ और होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था, आपके जहन में क्या आता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद मैप्स आपका जो है कंप्लीट हो, स्केल कंप्लीट है लगभग, अगर कुछ चीजें बचती हैं तो मैं उसको फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अब जो है एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने कहा था मैं बताऊंगा जब मैं स्केल आपको पढ़ाऊंगा। मैप मैंने बार बार शब्द रिपीट किया था पिछली क्लासेस में, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने मैप और प्लान बार बार रिपीट किया था कि भाई मैप और प्लान क्या डिफरेंस है दोनों में, मैप और प्लान में। एक्चुअली में मैप क्या है कि जो आपका ड्राइंग शीट है डियर, जो हमारा ड्राइंग शीट है उसका साइज तो फिक्स है ना, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि सेंटीमीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में। तो इतने ही बड़े पेपर पर अगर आपको पूरे इंडिया का मैप बनाने को दे दिया जाए, और इतने ही बड़े मैप पर आपको पॉलिटेक्निक भवन का मैप बनाने को दे दिया जाए, तो दोनों में डिफरेंट है ना, पेपर साइज सेम है, मैप इसके लिए आपको स्केल स्मॉल रखना पड़ेगा, इंडिया को बनाने के लिए आपको स्मॉल स्केल अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल जो कि जैसे जियोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत था, ये रेशियो आपको लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा देख रहे डिनोमिनेटर कितना बड़ा है न्यूमरेटर से, लेकिन जो पॉलिटेक्निक है आपका इसके लिए आप स्मॉल स्केल, इसके लिए आप लार्ज स्केल ले सकते हैं, लार्ज स्केल। अब भाई कैसे पता चलेगा कि स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, अगर हम जो आपका डिनोमिनेटर होता है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसका मतलब वो स्केल स्मॉल हो रहा है। अगर इसका जो डिनोमिनेटर है वो कम हो रहा है, जैसे यहां पे देख रहे 1:100 केवल लिया गया, ये किसके लिए, क्रॉस सेक्शन के लिए है, बिल्डिंग के लिए 1:1,000। ठीक है, तो इन सब के लिए ये स्केल अब लार्ज हो गया, कहां 1,100 कहां 1,50,00,000, तो डिफरेंट नहीं है। तो यही डिफरेंस है डियर मैप और स्केल में।
अगर उतने ही बड़े कागज पर पूरे इंडिया का मैप बनाया, पूरे यूपी का नक्शा बनाया जाए तो वो मैप कहलाएगा, लेकिन उतने ही बड़े पेपर पर अगर हम केवल अपने मकान का या अपने बिल्डिंग का, अपने पॉलिटेक्निक भवन का, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का वो बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो उसको प्लान कहा जाएगा। आई क्लियर दैट? तो मेरे ख्याल से दिए सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद हम आज हमने देखा कि स्केल क्या है, स्केल के डिफरेंट काइंड, वर्नियर्स को पढ़ा, वर्नियर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है उसको पढ़ा, वर्नियर के बाद स्केल के लिए क्या क्या आरएफ लिया जाता है, कौन कौन से टाइप की स्केल, किस किस टाइप के सर्वेइंग पर्पस के लिए लिया जाता है, ये चीजें हमने पढ़ लिया। मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है डियर, ये पढ़ लिया। आपको बता दूं कि ये आपका पूछा जाता है, मैप और प्लान पूछा जाता है। एक नंबर आपका तैयार हो गया, एक नंबर आप रेडी हो गए, आप रेडी हो गए एक नंबर के लिए, ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये भी आपका पूछा जाता है, दो नंबर आपके तैयार हुए टोटल, टोटल आप दो नंबर तैयार कर लिए हो, ओके। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या है, आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बेटा अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई करिए, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज जो है उसको जरूर बताइए। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चैनल पर होंगे, और सभी को शेयर करना मत भूलिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर धमाकेदार जो है इसको शेयर कर दीजिए, छा जाए ये हर जगह जो है आपका चैनल, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, सब जगह इसको शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस चैनल पर आइए जो है, और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करिए। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ओके डियर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमेशा याद रखिए, जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको स्टडी करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय बाय।